हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू आई एम सत्यनारायण 2019 बैच आईपीएस एंड टुडे वी विल स्टार्ट न्यू सीरीज जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ़ राजस्थान सो इन दिस सीरीज हम राजस्थान का इतिहास कवर करने की कोशिश करेंगे एंड मेन टारगेट विल बी आरपीएससी का जो आरएस का जो एग्ज़ाम है एंड इसके साथ साथ हम हिस्ट्री को थोड़ा कॉम्प्रीहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे सो दैट वी कैन सॉल्व मैक्ममम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, RAS का उसको डि कर लेते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार हमें सिलेबस पे नजर जरूर डाल लेनी चाहिए की सिलेबस क्या कहता है और हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है तो जो आर पी एस सी का आर एस का जो एग्जाम है उसके सिलेबस में जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है द मेजर लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान के इतिहास की प्रमुख महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं तो ये एक बहुत ही ब्रॉड और जनरल टर्म है जिसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की जो प्रमुख जो महत्वपूर्ण या जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उनको हमें कवर करना होगा तो वो थ्रू आउट द सीरीज हम कवर करेंगे उसके साथ साथ जो है मेजर डायनेस्टीज यानी प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था तो इसमें मुख्यतः जो राजस्थान के जो राजपूत वंश हैं उनको हम कवर करेंगे उनकी किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था थी यानी उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप का था और जो उनकी राजस्व व्यवस्था थी यानी कि जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम था वो किस टाइप का था उसके साथ साथ जो आरपीएससी का जो सिलेबस है आर का उसमें एक टॉपिक है सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दे यानी कि जो सोशल इश्यूज जो हैं सोशल एंड कल्चरल इश्यूज लाइक राजस्थान में सती प्रथा और राजस्थान में एजुकेशन का जो लेवल है लिटरेसी इलिटरेसी सो ये सब इश्यूज जो हैं बेरोजगारी गरीबी ये सब इश्यूज जो हैं हम प्रीलिम्स के सिलेबस में दिए हुए हैं और हम इनको कवर करेंगे उसके साथ साथ जो मेजर इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है फ्रीडम मूवमेंट यानी कि हमारा स्वतंत्रता आंदोलन उसमें राजस्थान का क्या प्रमुख योगदान रहा है राजस्थान में किस प्रकार से जन जागरण हुआ राजस्थान में सामाजिक सुधारों की स्थिति और उसके साथ साथ जो प्रजामंडल मूवमेंट था उसको भी हम कवर करेंगे और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो राजस्थान का इंटीग्रेशन था जो डिफरेंट स्टेडिज कंप्लीट हुआ था दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रिलिम्स सिलेबस सो वी हैव हैड अ लुक एट द सिलेबस ऑफ द प्रिलिम्स नाउ हम देखते हैं कि मेंस का सिलेबस प्रीलिम्स के सिलेबस से कितना डिफरेंट है और वन मोर थिंग दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान इन प्रीलिम्स नेक्स्ट इज द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री इन मेंस दैट इज द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान सो मोर और लेस ये सिमिलर है इसमें सिर्फ थोड़ा वर्ड्स का चेंजेस है बाकी द सिलेबस इज मोर और लेस सेम सो अप टू द एटीन सेंचुरी जो मेजर लैंडमार्क इवेंट्स जो हुए हैं इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम यानी जो प्राचीन काल से लेकर जो एटीन सेंचुरी तक की जो घटनाएं हुई हैं उनका इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा उनका कम डिटेल में पूछा जाएगा उसके साथ साथ ये सेम टॉपिक जो पिछले सिलेबस में भी दिया हुआ था प्रीलिम्स में ये सेम का सेम सिलेबस मेंस में भी है इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम एंड उसके बाद में जो हमारा नाइनटीन एंड जो ट्वेंटी सेंचुरी है यानी कि जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो फेज है जिसमें किसान और जनजाति आंदोलन है राजस्थान के किस प्रकार से राजस्थान में राजनीतिक चेतना की जागृति होती है और जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें राजस्थान का क्या प्रमुख योगदान है और उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस जो राजस्थान का यूनिफिकेशन या इंटीग्रेशन जो है. So, more or less, है. जो है है सो और और का सिलेबस सेम राजस्थान का इतिहास जो है उसका यही सिलेबस है तो हमें इतना ही सिलेबस कवर करना है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम ये सिलेबस कवर करेंगे कहाँ से तो उसके लिए इन माई व्यू जो बेस्ट सोर्स है वो जो है वो है राजस्थान अध्ययन की जो चार पुस्तक जो है नाइन्थ से जो ट्वेल्थ तक की जो राजस्थान अध्ययन की जो चार बुक्स हैं उनमें ये पोर्शन मेजरली कवर किया हुआ है देखते हैं कौन कौन सा पार्ट इसमें कवर किया हुआ है जो नाइन्थ क्लास की जो बुक है उसमें दिया हुआ है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसमें एक ही चैप्टर दिया हुआ है लेकिन ये जो ओल्ड राजस्थान की जो हिस्ट्री है यानी जो एंशियंट राजस्थान और जो मीडियाबल राजस्थान है उसकी पूरी हिस्ट्री को ये मोरो लेस कवर कर लेता है उसमें जो प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनमें कालीबंगा आहड़ और बैराट सभ्यताएं जो है वो दी हुई है उसके साथ साथ जो पूर्व मध्यकालीन राजस्थान है उसमें जो राजस्थान में जो राजपूत राजाओं की उत्पत्ति और जो उनका उदय होता है उसके बारे में दिया हुआ है साथ साथ ही जो मध्यकालीन राजस्थान में जो राजपूतों का जो गौरवमयी इतिहास रहा है उसके बारे में भी डिटेल में दिया हुआ है और जो इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल राजस्थान के तो वो भी इसमें काफी डिटेल में दिए हुए हैं तो आई थिंक जो एंशियंट एंड जो मीडियोल राजस्थान जो है उसका हमारा जो सिलेबस है वो सिर्फ एक चैप्टर से ही कवर हो जाएगा उसके बाद जो पार्ट टू है यानी कि जो टेंथ क्लास की बुक है उसमें जो दो चैप्टर दिए हुए हैं वो है राजस्थान में सामाजिक सुधार यानी कि जो सिलेबस हमारा दिया हुआ है सोशल एंड कल्चरल इश्यूज वो हमारा इन दोनों से कवर हो जाएगा कि किस तरह से राजस्थान में सोशल रिफॉर्म्स होते हैं और एजुकेशन का लेवल किस तरीके से चेंज होता है एजुकेशन का क्या पर्सपेक्टिव है और जो थर्ड पार्ट है यानी क्लास इलेवेंथ की जो एनसीआर है उसमें जो स्वतंत्रता संग्राम है यानी कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में जो राजस्थान में जन जागरण और राजनीतिक जो चेतना की जागृति होती है उसके बारे में दिया हुआ है तो हमने देखा था ये भी मोर और लेस जो सिलेबस में दिया हुआ है उससे मैच खाता है और जो फोर्थ है वो है आधुनिक राजस्थान में सामाजिक विकास यानी कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो राजस्थान में जो सोशल डेवलपमेंट होता है उसके बारे में ट्वेल्थ क्लास में जिक्र दिया हुआ है तो आई विल ट्राई टू कवर ऑल दिस चैप्टर्स इन दिस सीरीज सो दैट वी कैन कॉम्प्रिहेंसिवली कवर द सिलेबस फॉर आर पी एस सी आर एस बोथ प्रिलियम्स एज वेल एज मैं आई थिंक इसके बाद में आप लोगों को बाकी दूसरी बुक्स पे रिलाई करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और यू कैन सॉल्व अप टू सेवेंटी टू एटी परसेंट क्वेश्चन इन द एग्जाम सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये क्लास नाइन की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि जो राजस्थान का जो इतिहास है वो प्राचीन काल से लेकर अब तक गौरवमयी रहा है और जो इसकी माटी है उसके कण कण में राजस्थान के शूरवीरों की जो पराक्रम और साहस है उसकी परिभाषाएं लिखी हुई है और उसके साथ साथ जो राजस्थान का कल्चर है वो भी काफ़ी रिच है और काफ़ी डाइवर्स भी है और जो यहाँ पे डांस और म्यूजिक जो है वो बहुत ही पुराने टाइम से रहे हैं तो इंट्रोडक्शन के बाद में हम एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्टोन एज यानी कि प्रस्तर युग यानी पाषाण काल इसको हम पाषाण काल भी कह सकते हैं तो पाषाण काल का जो समय है वो लगभग 6000 बीसी यानी कि 6000 ईसा पूर्व तक से पहले का जो समय है उसको हम पाषाण काल कहते हैं उसको भी तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है पूर्व पाषाण काल मध्य पाषाण काल और नवीन पाषाण काल उसके बाद का जो समय है उसको धातु युग के नाम से जाना जाता है जब इंसान ने कोपर यानी तांबा और लोहे उसकी जो डिस्कवरी कर ली थी और उसके जो औजार जब बनाने लगा था इंसान तो उसके बाद का जो वक्त है उसको हम ताम्र युग और धातु युग के नाम से जानते हैं तो देखते हैं कि राजस्थान की कौन कौन सी साइट्स हैं जहां पर हमें पाषाण काल के जो अवशेष या जो हैं सबूत मिलते हैं तो बुक के पहले ही पैराग्राफ में दिया हुआ है कि ये जो पाषाण काल जो प्राचीन पाषाण काल जो है यानी कि जो बहुत ही पुराना वक्त जब इंसान जो है वो आदि मानव का जीवन जीता था उस वक्त के जो अवशेष हैं वो अजमेर अलवर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा जयपुर जयलोर पाली टोंक जो आदि जो क्षेत्र हैं इनमें जो नदियां जो बहती है और उन नदियों की जो सहायक नदियां हैं उनमें इनके अवशेष मिलते हैं उसके साथ साथ जो चित्तौड़ और जो इसके पूर्व की ओर का जो रीजन है इसमें काफी सारे औजारों की उपलब्धि मिली है तो इससे यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे जो पूर्व पाषाण काल है उसमें उपकरण बनाने का प्रमुख केंद्र रहा होगा जो चित्तौड़ और उसके जो पूर्व का जो सेंटर है उसके साथ साथ जो राजस्थान की जो प्रमुख नदी है लोणी नदी उसकी घाटी में या उसके तटों में भी प्रारंभिक जो जीवन है उसके उपकरण प्राप्त हुए हैं तो ये बात होती है पूर्व पाषाण काल की यानी लगभग दस हजार ईसा पूर्व से पहले के वक्त की उस टाइम पर इंसान एक परमानेंट घर बनाकर नहीं रहता था वो मोस्टली हंटिंग और गैदरिंग पर निर्भर करता था यानी कि वो शिकार करता था और अपना पेट भरता था तो ये होगी पूर्व पाषाण काल की बात फिर उसके बाद में जो दूसरा स्टेज है वो है मध्य पाषाण काल और नवीन पाषाण काल तो ये जो वक्त है इसमें हमें खास तौर से ध्यान देने वाली बात यह है कि जो राजस्थान की जो लूणी नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके साथ साथ जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़ में जो बैडज और उसकी जो सहायक नदियां हैं इनमें इनके जो मुख्य अवशेष हैं वो मिलते हैं तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन कौन से एरियाज में पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं और कौन कौन से एरिया में मध्य पाषाण काल और नवीन पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज है वो है ये दो साइड यानी कि बागोर जो कि भीलवाड़ा में है और जो तिलवाड़ा यानी कि ये बाड़मेर में है जो बाड़मेर की पचपदरा तहसील है उसमें एक गांव है तो बागोर और तिलवाड़ा ये दो नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं यहाँ पर नवीन पाषाण कालीन युग के अवशेषों की प्राप्ति होती है तिलवाड़ा जो है वो जैन धर्म के अनुयायियों का एक इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थान भी है क्योंकि यहाँ पे जो भगवान मल्लीनाथ है उनका मंदिर है तो आप ये वाला फैक्ट भी मे भी प्रिलेम्स या में पूछा जा सकता है सो जस्ट कीप इट इन योर माइंड दैट तिलवाड़ा जो है वो जैन धर्म के अनुयायियों का प्रमुख तीर्थ स्थान है तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं जैसा मैंने बताया कि पाषाण काल के बाद का जो वक्त है उस टाइम पर इंसान ने धातुओं की डिस्कवरी कर ली थी धातु में जो सबसे पहले इंसान ने तांबा और पीतल का यूज करना शुरू किया था और उसके बाद में उसने लोहे का यूज करना शुरू किया था तो जैसा हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया था इसकी वजह से जो प्रमुख जो चेंज आया जो मेजर जो चेंज आया इंसान के जीवन जीने के तरीके में उसमें ये आया कि उसने इनसे औजार बनाने शुरू करे जैसे कि कुलाड़ी या हल और उसके बाद में जो जंगल वगैरह जो थे जो पहले डेंस होते थे जहाँ पे एग्रीकल्चर करना यानी कि एक जगह पे रुक कर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि वहां पर बहुत सारे घना जंगल होता था तो उस चीज की जो समस्या थी उससे इंसान ने इजाद पाली थी यानी कि उससे उसको फ्रीडम मिल गई थी और इन औजारों का इस्तेमाल वो एग्रीकल्चर के लिए करने लग गया था और साथ ही साथ शिल्प कार्य जो है उनमें भी करने लग गया था तो इस तरीके से धातु काल में जो जीवन है वो एक बड़ा चेंज आता है उसमें जो इंसान के जो जीवन जीने का तरीका है तो राजस्थान की जो प्रमुख इम्पोर्टेंट साइट्स जो हैं इस वक्त की उन पर प्रकाश डालते हैं तो जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट और जो राजस्थान की सबसे पुरानी जो साइट है वो है कालीबंगा ये कालीबंगा जो वर्तमान में जो हनुमानगढ़ जिला है उसमें है जो वर्तमान में जो गगर नदी बहती है उसके किनारे पर ये कालीबंगा के अवशेष मिले थे खुदाई में और ये जो सभ्यता है वो लगभग आज से साढ़े चार हजार वर्ष पुरानी है यानी कि 2400 से 2200 ईसा पूर्व के लगभग आसपास इसका वक्त माना गया है इतिहासकारों द्वारा उसके साथ साथ इसमें जिस तरीके से हमने देखा कि जो हड़प्पा जो सभ्यता है जो मोहनजोदाड़ो है जहां पर भी दो टीले मिलते हैं उसी तरीके से कालीबंगा में भी दो टीले मिलते हैं जो पूर्वी टीला है उसमें जो बाकी जो शहर के लोग हैं वो रहते हैं जिसमें साधारण बस्ती के अवशेष मिलते हैं और जो पश्चिमी टीला है वो ऐसा माना जाता है कि ये जो उस सभ्यता का जो हेड होता था उसका सिटाडेल है यानी कि उसका फोर्ट है इसके साथ साथ कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा कालीन यानी ये जो सभ्यता जो है हम जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता जो है यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका वक्त भी लगभग पच्चीस सौ बीस के आसपास था और हम देख रहे हैं कि जो कालीबंगा है उसका भी वक्त लगभग जो है चौबीस सौ से दो हजार बीस के आसपास है यानी कि ये जो सभ्यता है वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समकालीन है तो इसमें पूर्व हड़प्पा कालीन हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं यानी कि साक्ष्य मिले हैं तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट साइट ऑफ एंशियंट टाइम्स इन राजस्थान उसके बारे में ज्यादा डिटेल में देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है कालीबंगा से रिलेटेड जो है वो है ये यह कि यहाँ से जुटे हुए खेत के प्रमाण मिले हैं यानी कि ये ओवरऑल जो इंडिया की हिस्ट्री है उसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जुते हुए खेत के प्रमाण या जो एग्रीकल्चर के जो फर्स्ट जो एविडेंसेज हैं वो कौन सी साइट से मिले हैं एंड द आंसर इज कालीबंगा सो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है वी हैव टू रिमेंबर इट क्योंकि संसार में सबसे प्राचीनतम है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट है उसके बाद में आप देख सकते हैं जैसा कि इस फोटो में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कच्ची इंटों का इस्तेमाल किया जाता था उस टाइम पे पत्थरों का अभाव था और जो घर बनाने की जो तरीका है उसमें कच्ची इंटों का इस्तेमाल किया जाता था और इन्हें मिट्टी से जोड़ा था जाता था क्योंकि उस टाइम तक चूने का जो ज्ञान है वो इंसान को नहीं था और उसके साथ साथ जैसा कि हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें भी जो, जो साफ सफाई और जो जल निकास की जो व्यवस्था है वो बहुत ही उत्तम थी उसी तरीके से कालीबंगा में भी जो सफाई की जो व्यवस्था है वो अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है असाधारण है ये मैं ऑलरेडी पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ से मौजूदा वक्त में गग्गर नदी बहती है जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी तो कई बार पूछ लिया जाता है कि सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई कौन सी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक साइट है तो यू शुड रिमेंबर दैट इट इज काली बंगा उसके साथ साथ यहाँ पे जो है अग्नि कुंड यानी अग्नि वेदियों के अवशेष भी मिले हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी बहुत जगह पे नहीं मिलते हैं जो बाकी हड़प्पन साइट्स जो हैं उसमें जो अग्निवेदियां जो है जो जहाँ पे हवन करते थे उनके साक्ष्य नहीं मिलते हैं ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे उसके भी साक्ष्य मिलते हैं तो ये जो अग्निवेदियां वो उस टाइम के जो इंसान था उसके लगभग धर्म किस तरह का होता होगा वो क्या यज्ञ वगैरह करता था उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालता है हालांकि इसमें कुछ भी इतनी क्लैरिटी नहीं है यानी कि जो धार्मिक प्रमाण है वो हमें इनसे मिलते हैं उसके साथ साथ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पे पकाई गई ईंटों का हाँ प्रयोग होता था कच्ची ईंटों का हाँ प्रयोग नहीं होता था तो यानी कि जो इंसान को ईंट पकाने का जो तरीका है वो आज से लगभग साढ़े चार हजार वर्ष पहले भी पता था उसके साथ साथ यहाँ से मिट्टी के बर्तन भी काफी मात्रा में प्राप्त हुए हैं जिन पर मुहर और लिपि बनाई गई है और वो जो लिपि है वो सेंधव लिपि से मिलती जुलती है लेकिन आज तक वो डिसाइफर नहीं हो पाई है अभी तक एक्जैक्टली उसका नहीं पता लगा है कि उसमें किस तरीके की चीजें लिखी हुई है और क्या लिखा हुआ है उसके साथ साथ जो है यहाँ पे तांबे से जो बने हुए कृषि के औजार भी मिलते हैं जो यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचायक है यानी कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है जैसा हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ के सबसे पुराने एविडेंसेस मिले हैं तो एग्रीकल्चर में यहाँ के जो तांबे के औजार है उनका इस्तेमाल किया जाता था और उसके साथ साथ जो नगर योजना जो है वो सिंधु घाटी के नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है इसका इम्पोर्टेंट फीचर है तो इस तरीके से जो कालीबंगा सभ्यता है उसके काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स हो गए तो ये हमें ध्यान में रहने चाहिए कि क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स है उसके बाद में ये जो राजस्थान का मैप है इसमें हम एक बार इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी साइट्स कहाँ कहाँ पे है जो हम ऑलरेडी अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं और जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए है उनको भी एक बार देख लेंगे जो हम आने आगे आने वाले पेजेस में डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले कालीबंगा को ही मार्क कर लेते हैं लगभग हनुमानगढ़ में है तो हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं एग्जैक्टली exactly मार्क करना जरूरी नहीं है बस आपको लगभग रफ आइडिया होना चाहिए कहाँ पे है उसके बाद में हमने दो इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में जिक्र किया था एक बागोर और एक तिलवाड़ा तो जो भीलवाड़ा जिला है लगभग यहाँ पे उसमें जो बागोर साइट है वो यहाँ पे है और जो बाड़मेर जो जिला है वहां पे तिलवाड़ा साइट है तो बाड़मेर जिला लगभग कहीं ही कहीं पे होता है और ये तिलवाड़ा साइट हो गई ये हमारी थर्ड साइट हो गई उसके साथ साथ जो आगे आने वाली जो साइट्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि दो और प्राचीन सभ्यताएं इंपॉर्टेंट है, है उनमें से एक है आहड जो कि उदयपुर में है तो वो लगभग यहाँ पे है ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रमुख कॉपर साइट है यानी कि ताम्रकालीन सभ्यता है और उसके साथ साथ जो आखिरी सभ्यता जो पढ़ेंगे उसके बारे में वो है बैराट तो बैराट का हम ऑलरेडी पहले भी कल वाले वीडियो में भी जिक्र कर चुके हैं जो जनपदों में जो नगर जो जनपद थी उसी का दूसरा नाम जो है वो बैराट है वो मालवा की राजधानी थी और उसका जो जयपुर वाला जो रीजन है उसके आसपास तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कालीबंगा मार्क किया यहाँ पे हमने तिलवाड़ा मार्क किया यहाँ पे हमने बागोर मार्क किया सॉरी ये बागोर है और ये उदयपुर का आहड़ है और उसके बाद में हमने जयपुर की बैराट इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट साइट है वो है गणेश्वर तो जो गणेश्वर साइट है वो सीकर जिले में पड़ता है मुख्यतः लेकिन ये जो खेतड़ी और जो कॉपर बेल्ट जो है सीकर झुंझुनू जिले की लगभग यहाँ पे तो गणेश्वर भी एक इम्पोर्टेंट साइट है तो इस तरीके से ये साइट्स हमें पता होनी चाहिए मेंस में मार्क करने के लिए पूछी जा सकती है साथ ही प्रस में भी इनका जिला मैच करने के लिए दिया जा सकता है तो वी शुड ऑल नो कि हम आगे जो है वो आहड़ का डिस्कस करेंगे तो जो आहड़ सभ्यता है वो भी एक ताम्रकालीन सभ्यता है और ये भी लगभग कालीबंगा के आस पास के वक्त की ही सभ्यता है लेकिन इसका जो मेन सेंटर जो था वो था दक्षिण पश्चिमी राजस्थान यानी कि जो हमारी कालीबंग का सभ्यता है वो है उत्तरी राजस्थान लेकिन जो आहड़ है वो है लगभग दक्षिण पश्चिम राजस्थान और इसका बनास नदी सभ्यता से मुख्य लेना देना है यानी कि ये बनास नदी की जो घाटी है या बनास नदी का जो क्षेत्र है उसमें डेवलप हुई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्रचुर मात्रा में तांबे की खन्ने खनन हुआ है और उसके साथ साथ यहाँ पे तांबे के धातु के बहुत सारे उपकरण बनाए जाते रहे हैं जिनके अवशेष मिले हैं तो इसके लिए इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है इसके साथ साथ इसको धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है तो वी शुड रिमेम्बर दीज नेम्स की ताम्रवती नगरी या धूलकोट जो है वो आहड़ सभ्यता के ही सेंटर्स है तो टाइम पीरियड जैसा हमने देखा था कालीबंगा का लगभग चार साढ़े चार हजार वर्ष पूर्व था उसी तरीके से आहाड़ का भी चार साढ़े चार हजार वर्ष पुराना चा है ये जो साइट है इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो एक फीचर है वो है कि जॉइंट फैमिली का होना भारतीय जो कल्चर है उसमें जॉइंट फैमिली काफी इम्पोर्टेंस है और हम देखते हैं कि लगभग आज से चार हजार वर्ष पूर्व भी जो एक ही आंगन है उसमें लगभग चार से छह बड़े चूल्हे होते थे यानी कि आपका एक आंगन है ये एक ही मकान है उसमें चार से छह अलग अलग चूल्हे हैं यानी कि जो परिवार हैं वो साथ में रह रहे हैं लेकिन खाना अलग अलग बनाते हैं तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ आहड़ सभ्यता जो बाकी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है सो वी शुड रिमेम्बर दिस उसके साथ साथ जैसा कि कालीबंगा में भी बर्तन वगैरह मिलते हैं तो हमें यहाँ पर भी जो मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला है उसका अच्छा परिचय मिलता है सो so, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला लगभग हर सभ्यता में जानी जाती थी इसलिए उसको इतना अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, उसके साथ साथ यहाँ पे यूनानी मुद्राएं मिलती है यानी कि इससे ये प्रूव होता है कि यहाँ पे जो है वो विदेशी व्यापार भी होता था ये किन चीजों का व्यापार होता था इसमें अभी इतनी स्पष्टता नहीं है मे भी कॉपर के जो उपकरण है उनका यहां से एक्सपोर्ट होता होगा या फिर बाहर से कुछ अलग अलग तरीके की चीजें से यहां पर इम्पोर्ट की जाती होगी लेकिन यहाँ पर यूनानी मुद्राओं के अवशेष मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि विदेशी जो बाजार है वहां से व्यापार निश्चित रूप से होता था तो ये जो सभ्यता है बनास सभ्यता जो जिसको कह सकते हैं या जो ताहाड़ की जो सभ्यता है उसका जो एक्सपेंशन जो है वो गिलुंड गिलुंड भी उदयपुर में है और ये राजस्थान स्थान के जो महाराणा प्रताप है उनसे एक इम्पोर्टेंट जुड़ी हुई साइट है तो इसके बारे में थोड़ा और देखेंगे आगे उसके साथ साथ बागोर का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया भीलवाड़ा में है तो इसके जो आसपास के स्थान है यहाँ तक फैला हुआ था यानी कि जो आड़ सभ्यता है वो दो तीन जिलों तक फैली हुई थी और ये काफी दूर तक फैली हुई थी यानी कि जो बनास नदी जो है उसमें पूरी ये फैली हुई थी इसके साथ साथ जो इसका संपर्क जो है यानी कि जो कांटेक्ट है उस टाइम की जो बाकी सभ्यताएं होती थी जो बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो बाकी सभ्यताएं हैं यानी कि नवदा टोली हड़प्पा नागदा इन सब के साथ भी इसका कांटेक्ट था यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है वो बाकी लोगों की से भी बात बात कर रहे हैं बाकी लोगों से भी जो कल्चर है उसका कल्चर और व्यापार जो है उसका एक्सचेंज हो रहा है तो इस सीरीज की जो आखिरी स्लाइड है उस पर चलते हैं और हम डिस्कस करेंगे बैराट सभ्यता के बारे में तो जो बैराट सभ्यता है वो वर्तमान में जयपुर जिला जो है वहाँ पे डेवलप हुई थी और मत्स्य जो जनपद है मैंने पिछले स्लाइड में गलत बोल दिया था मालवा जनपद सॉरी मत्स्य जनपद जो है उसकी राजधानी विराट नगर वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑल्सो इन द टेंथ क्लास सोशल साइंस बुक जहाँ पे हमने राजस्थान के प्रमुख जनपदों के बारे में बात की थी कि जो मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी विराट नगर है तो उसी को ही बैराट के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर भी जो है ये तीन इंपॉर्टेंट डोंगरी है इनकी पहाड़ियों के ये नाम है ये में भी कई बार में पूछे जा सकते हैं कि डंगरी, और मोती जो है, वो कौन सी सभ्यता से जुड़े हुए हैं तो वी हैव टू तो रिमेम्बर दैट ये बैराट से हैं उसके साथ साथ पिछले स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया था अशोक का भाबरुआ शिला तो यानी कि इसमें जो सम्राट अशोक है उसने जो बुद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है यानी कि बुद्ध संघ और धम्म उसमें विश्वास जताया था और जो कैप्टन बर्ट है उन्होंने इस शिलालेख को खोजा था तो वो था ऑल इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड तो इसलिए हमने इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया था लेकिन दिस इज द इम्पोर्टेंट नेम विच वी हैव टू तो रिमेंबर यानी कि हु डिस्कवर्ड द भाबरू शिलालेख ऑफ अशोक सो द आंसर इज कैप्टन बर्ट यू डेफिनेटली शुड रिमेंबर दिस नेम इट मेड

और जैसा कि जो अशोक हैं वो मौर्य काल के हैं मौर्य वंश के हैं तो हम कह सकते हैं ये सभी अवशेष मौर्य हैं और उसके बाद में जो चीनी जो चीनी ट्रैवलर थे वैन सैन उन्होंने भी अपनी यात्रा में बैराट का जिक्र किया है तो दिस इज ऑल्सो अफेक्ट विच मे बी आस्क इन द एग्जाम सो so, जो तीन इंपॉर्टेंट प्रमुख साइट्स जो थी कालीबंगा आहड़ और बैराट वी हैव डिस्कस्ड देम इन द डिटेल नाउ उसके अलावा बागोर भी हम बोल चुके हैं बागौर जो है वो भीलवाड़ा में वहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं सो दिस इज ऑल्सो अनदर फैक्ट विच और प्रसलिम्स में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है एक तरफ आपकी जो सभ्यताएं हैं उनके नाम दे दिया कालीबंगा आहड़ बैराठ और बागोर और दूसरी तरफ ऐसा दे दिया कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली है तो मैच जो कराने का जो टाइप का जो क्वेश्चन बनता है दैट में ऑल्सो बी आस्क जैसे कालीबंगा में है वो जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं आहड़ जो है उसमें काफी तांबे के उपकरण मिलते हैं जो बैराठ जो है वहां पे भाबरू का शिलालेख है या जो अशोक का जो त्रिरत्न है उससे रिलेटेड या फिर उसके साथ साथ जो वैन है उसने भी अपने यात्रा में डिस्क्राइब किया है और जो बागोर है वहां से हमें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनको हमें साथ में ही सोचकर चलना होगा ताकि एग्जाम में हमें कोई डिफिकल्टी नहीं आए उसके अलावा आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड इन द मैप की गणेश्वर जो साइट है वो कहाँ पर है एक बार आप गणेश्वर जो साइट है उसके बारे में थोड़ा सा विकीपीडिया पे देख लेना जो खेतड़ी और जो दड़ीबा है ये सीकर और जो झुंझुनू की जो कॉपर बेल्ट है उसी में ही है तो ये जो भी यहाँ से जो तांबे के उपकरण बनते थे जैसा कि मैं पहले भी पिछले स्लाइड में भी बोला था कि उनका उपयोग राजस्थान में भी होता था उसके साथ साथ ये लोग जो हैं वो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो की जो साइट्स थी वहां पे एक्सपोर्ट भी करते थे तो इस तरीके से हमने राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में इस स्लाइड में डिस्कस कर लिया है जो

खत्म करने से पहले आई वुड लाइक यू पीपल टू गिव मी अ फीडबैक कि देर आर टू थिंग्स वन इज द कंटेंट अनदर वन इज द प्रेजेंटेशन तो आपको कंटेंट कैसा लगा इस स्लाइड का और साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन कैसी लगी यानी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह जो मैं बोल रहा हूँ डू यू थिंक दैट दे आर आस्क इन द एग्जाम और दे आर इम्पोर्टेंट इफ यू फील this is excellent then give five rating and accordingly give and if you feel that there is a lot of improvement ki zarurat hai so give the poor rating you can give any rating i am open to all the ratings and if you find this video useful then please like it uske sath sath you share it with your friends and if you don't want to miss any video from this series if you want कि जो आज R.P.S.C आरपीएससी का जो आर का एग्जाम है या जो बाकी और कोई भी एग्जाम है उसके लिए अगर आप इतिहास जो है उसको पूरी तरीके से करना चाहते हैं अगर आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली करना चाहते हैं साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ भी तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू